दोस्तों मुझे पता है आप इस वीडियो के लिए रुके हुए हो और मुझे पता है बहुत जो लोग अभी देख रहे हैं ये वीडियो वो एंड तक देखेंगे क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग लॉन्चेस के बारे में बताने वाला हूँ, गाड़ियों के बारे में नहीं, स्मार्टफोन्स नहीं, उसके लिए ट्रैक इन टेक में जाना होगा। ये है ट्रैक इन ऑटो चैनल, बहुत सारी गाड़ियां आ रही है दोस्तों एंड आई एम रियली एक्साइटेड। ये जो फेस्टिव सीजन होता है ना उसके पहले का जो एक महीना होता है वो टेक ऑटो यूट्यूबर्स वगैरह जो होते हैं, टेक ऑटो ब्रांड्स वगैरह होते हैं, इनके लिए बहुत बड़ा होता है क्योंकि हम सभी लोग जो खरीदी करते हैं, हम जो गाड़ियां लेनी है, स्मार्टफोन्स लेने, इसी टाइम पे करते हैं। और इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बताने वाला हूं अगले एक दो महीने में कौन सी गाड़ियां इंडिया में लॉन्च होने वाली है। कुछ कंफर्म्ड है, कुछ रूमर्ड है, कुछ ऐसे लग रहा है लॉन्च होने वाली है, सब कुछ बताने वाला हूं। हैचबैक, सेडान्स, माइक्रो, मिड, फुल साइज एसयूवीज, इलेक्ट्रिक कार्स, जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा एंड तक देखिए वीडियो और अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहले कंफर्म वाले के बारे में बात करते हैं, एसयूवीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एमजी एस्टर, कॉम्पैक्ट नहीं कहूंगा, मिड साइज एसयूवी में कहूंगा। ये जो है ये अनवील हो गई है, बात हो गई है, लॉन्च हो गए, लॉन्च नहीं हुआ है, अनवील हुआ है, लेकिन ये लॉन्च ऑटो ब्रांड्स ऐसा क्यों करते हैं समझ में नहीं आता। पहले अनवील करते हैं, उसके बाद में लॉन्च करते हैं, उसके बाद में सेल पे जाते हैं, उसके बाद में प्राइस वगैरह देते हैं। सो एनीवेज देयर आर वेरियस स्टेजेस, उसमें से पहला स्टेज जो है अनवील का वो हो गया है। एंड अगर आपको बताऊं तो बेसिकली जो MG EV ZS थी दोस्तों, उसी का ये IC वर्जन है, नॉर्मल फ्यूल वर्जन है। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है इसके अंदर एंड 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन में आने वाला है। अगर प्राइस के बारे में बात करूं तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 10-17 लाख, मतलब जो चालू होगी वो 10 लाख से चालू होगी एंड ऑल द वे अप टू 17 लाख ऊपर की तरफ। अगर फीचर्स के बारे में बात करूं तो ये सबसे पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी होने या फिर मिड साइज एसयूवी होने वाली है जिसमें आपको लेवल 2 ADAS एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम ये मिलने वाला है। इसके अंदर जियो का ई सिम कार्ड भी होने वाला है फॉर ऑल दोस कनेक्टेड फीचर्स। यस, सो अक्टूबर में एमजी एस्टर, पता चलेगा एग्जैक्ट प्राइस क्या है और आप खरीद भी पाओगे। ऑलराइट, जिस गाड़ी के बारे में हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, पहले टाटा HBX कहते थे, अब टाटा पंच हो गई है, उसके बहुत सारे टीजर्स आ गए हैं, बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं। ये कॉम्पैक्ट माइक्रो एसयूवी है, जी हाँ, टाटा की तरफ से ये माइक्रो एसयूवी है जो अक्टूबर में लॉन्च होने वाली है। और अगर बताऊं तो 1.2 लीटर का इंजन है इसके अंदर, विच इज गुड, मतलब फॉर अ माइक्रो एसयूवी दिस इज रियली गुड, 1.2 लीटर इंजन। एंड पावर के और टॉर्क के बारे में बात करूं तो 84 BHP पावर एंड 113 Nm टॉर्क है इसके अंदर। और प्राइस कही जा रही है इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5 लाख ऑल द वे अप टू 8 लाख मिड टू एंड अक्टूबर तक ये लॉन्च होने वाली है। अ लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर दिस सीरियसली। अगली गाड़ी है दोस्तों Citroen C3, जी हाँ, ये भी क्रॉसओवर ही है, ये भी कॉम्पैक्ट एसयूवी के जैसे ही है एंड ग्लोबली अनवील हो गई है दोस्तों, अब इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसे स्पोर्ट्स क्रॉसओवर या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी आप कह सकते हो, दिखने को बहुत अच्छी है, मतलब अगर आप देखोगे तो ब्लैक क्लैडिंग बहुत ज्यादा है इसमें एंड डुअल टोन में वगैरह आती है। अगर इंजन कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है एंड पावर के बारे में बात करूं तो 84 BHP जैसे टाटा पंच में है वैसे ही कुछ 84 BHP इसमें है एंड 113 Nm टॉर्क है इसके अंदर। और दोस्तों अगर इसकी प्राइस देखूं ये भी 5.5 लाख से चालू होने वाली है, बट यस दीज आर कमिंग इन अक्टूबर एंड आई एम एक्साइटेड। ऑलराइट, नेक्स्ट बड़ा लॉन्च दोस्तों महिंद्रा की तरफ से, महिंद्रा स्कॉर्पियो 2021। ये अक्टूबर में नहीं, ये नवंबर में लॉन्च होगी ऐसे कहा जा रहा है, अगेन दिस इज द रूमर्ड डेट, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट नवंबर, अराउंड नवंबर, मिड नवंबर एंड तक ये लॉन्च हो जाएगी ऐसे कहा जा रहा है। एंड लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे जो टीजर्स वगैरह आए उसके, टीजर या फिर स्पाई फोटोज वगैरह, उससे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। वैसे अगर इंजन के बारे में बात करूँ, 2.2 लीटर का इंजन है, डीजल इंजन है एंड 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। इसकी प्राइस दोस्तों 10 लाख से लेकर 14 लाख तक होने वाली है। फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इसमें बहुत बड़ा इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन आने वाला है जो एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करेगा, एलेक्सा वगैरह वॉइस कमांड वगैरह एक्सेप्ट करेगा, तो बात कर पाओगे आपकी गाड़ी के साथ, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग, ये सब चीजें आने वाली है। लेट्स वेट फॉर इट अगेन अक्टूबर में तो नहीं, नवंबर में ये आने वाली है ऐसे कहा जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं थोड़े प्रीमियम सेगमेंट के बारे में, ऑडी न्यू Q3 या फिर
Audi Q3। जी हाँ, ये जो है ये मिड साइज SUV है दोस्तों, 2 लीटर इंजन कैपेसिटी है इसकी। इसकी जो प्राइस एक्सपेक्टेड है वो अराउंड 33-34 लाख से लेके 45 लाख तक होने वाली है। एंड यस, दिस इज एक्सपेक्टेड टू कम अराउंड अक्टूबर नवंबर, एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, बट यस Q3 के लिए बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। एंड या आने वाली है। फीचर्स के बारे में बात करूँ तो डिज़ाइन जो है वो थोड़ा अलग होने, एजियर डिज़ाइन कहा जा सकता है। अंदर का जो इंटीरियर्स है वो भी बहुत चेंज है, अलग सी थीम आने वाली है। एंड अगर साइज के बारे में बात करूं तो ऐसे कहा जा रहा है कि थोड़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन इट इज गोइंग टू बी लाइटर देन एग्जिस्टिंग, जो Q3 पुराना मॉडल है उससे लाइटर होने वाला है। तो या दैट्स व्हाट ऑडी Q3 इज एंड इट्स कमिंग सून। बात करते हैं मर्सिडीज बेंज EQA। जी हाँ, इनकी जो कॉम्पैक्ट SUV है, इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV है, ये भी कहा जा रहा है कि अगले 1 या 2 महीने में लॉन्च होने वाली है इंडिया में। एंड आई एम सीरियसली एक्साइटेड। देखिए, इसकी प्राइस जो है 60-65 लाख के अराउंड होने वाली है। एंड बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो 66.5 किलोवाट आवर की बैटरी होने वाली है, जो आपको 426 किलोमीटर की रेंज देगी। और फीचर्स के बारे में बात करूं तो ये जो है दोस्तों, दिखने को GLA जैसी है उनकी, वैसी इलेक्ट्रिक वर्जन है GLE की, ऐसे कहा जा सकता है। फुल LED हेडलैम्प्स वगैरह हैं, अलॉय व्हील, लाइट अलॉय व्हील्स आते हैं जो 2 या 3 कलर में, बाय और ट्राई कलर में होंगे, रोज गोल्ड वगैरह डिजाइन होने वाला है। तो दिखने को बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ी फ्यूचरिस्टिक होने वाली है। यस, कमिंग सून, अनदर 2 मंथ। ऑलराइट, मसल कार इज कमिंग। जी हाँ, द मोस्ट आइकॉनिक, द मोस्ट क्लासिक मसल कार ग्लोबली, फोर्ड मस्टैंग 2021। आप कहोगे कि फोर्ड तो उनका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बंद कर रहा है। जी हाँ, बंद कर रहा है तो क्या हो गया, दिस इज गोइंग टू बी अ CBU, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, इंपोर्ट होगा। 75 लाख से ये चालू होने वाली है। अगर US में आप खरीदोगे और कन्वर्ट करते हो तो वो एक्चुअली में 30-35 लाख की प्राइस या 25-30 लाख तक बैठती है, बट इधर आते आते इम्पोर्ट ड्यूटी देते देते 75 लाख हो जाती है। बट दिस इज आइकॉनिक मसल कार दोस्तों। एंड बहुत सारी ऐसे रूमर्स और लीक्स वगैरह आ रहे हैं जिसके हिसाब से पता तो चलता है कि अगले 2 महीनों में ये मसल कार इंडिया में आने वाली है। एंड आई एम एक्साइटेड, जैसे ही आती है आई एम गोइंग टू ड्राइव इट। सीरियसली, दैट साउंड, वो एग्जॉस्ट साउंड जो है ना मस्टैंग का, दैट इज नेक्स्ट लेवल, कोई भी पास नहीं आ सकता है। और डिजाइन के बारे में बात करूँ तो जो बॉनेट वगैरह है थोड़ा ज़्यादा स्कल्प्टेड वगैरह है, सो इट इज़ लुकिंग गुड, ऑब्वियसली इट्स अ मसल कार। चलिए अब बात करते हैं नॉर्मल व्हीकल्स के बारे में, मसल कार के बारे में तो बात हो गई है। स्कोडा रैपिड 2021 दोस्तों, अब इसका जो नाम है ये शायद स्लाविया होगा, सो इट इज़ अ अपग्रेडेड 2021 वेरियंट ऑफ रैपिड, बट विल बी कॉल्ड एज स्लाविया। जी हाँ, और अपडेटेड डिजाइन होने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू बी मोर प्रीमियम देन रैपिड। चलिए अब कुछ हैचबैक्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये हैचबैक आजकल आउट ऑफ फैशन जाने लग गए, फिर भी लोग लेते हैं अभी भी। तो और ये जो है, ये जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये CNG वेरिएंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा एल्ट्रोज CNG के बारे में। उसके कुछ स्पाई फोटोज वगैरह आ गए, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बजट हैचबैक। लेकिन जो नॉर्मल टाटा एल्ट्रोज है उससे कुछ 40-50 हज़ार से वो ज़्यादा महंगी होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर CNG है, CNG किट वगैरह आने वाला है, सो इट इज गोइंग टू बी स्लाइटली एक्सपेंसिव। इसकी प्राइस दोस्तों 10 लाख के नीचे होने वाली है, सो इट इज गोइंग टू बी बिटवीन 7-10 लाख। और स्टाइलिंग में ज्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला है अगर आप IC इंजन वाले टाटा एल्ट्रोस के साथ देखते हो, सिर्फ इतना ही है कि थोड़ी महंगी होगी 50 हज़ार से। चलिए दोस्तों, सबसे ज्यादा बिकने वाली इंडिया में गाड़ी कौन सी है, मारुति स्विफ्ट। और इस मारुति स्विफ्ट की हाइब्रिड आने वाली है अगले 1-2 महीनों में, कहा जा रहा है अक्टूबर एंड नवंबर में लॉन्च होने वाली है। और ये जो हाइब्रिड है, बेसिकली छोटा सा इलेक्ट्रिक इंजन भी आएगा, बैटरी पैक, इलेक्ट्रिक इंजन नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर आएगी एंड बैटरी पैक होने वाला है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा, साथ में बैटरी पैक आने वाला है। एक 10-11 लाख प्राइस होने वाली है। इट इज अ हाइब्रिड व्हीकल आफ्टर ऑल। एंड अगर फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, इट माइट हैव वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, क्रूज कंट्रोल, पेडल शिफ्टर्स, ये सब होने वाले हैं। आने दीजिए उसके बाद में, ज्यादा इसके बारे में डिटेल्स आए हुए नहीं है, बट ऐसा अगले 1-2 महीने में लॉन्च होने वाली है, इतना जरूर पता है। जी हाँ दोस्तों, यही थी गाड़ियां जो अगले 1-2 महीने में लॉन्च होने वाली है। मैंने कहा इस वीडियो के जरिए से मैं आपको बता दूं कि अगर आप गाड़ी वगैरह लेने वाले हो इस दिवाली में, तो आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सी गाड़ियां लॉन्च हो रही है। और अगर इसमें से कोई आपको अच्छी लगती है तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप रुके हुए हो किस गाड़ी के लिए, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।